जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बनाएंगे चना दाल का। पहले नमकीन सोचा था, फिर बाद में हमने इसकी चाट बना दी। चाट बोलते हैं कि भेल पूरी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, आप लोग बताना। कि मैंने तो बस ऐसे ही बना दिया कि इसको भी डाल के देखती हूँ कैसा बनेगा। बहुत टेस्टी बना था, तो ये शाम को भिगो दी थी। 3-4-5 घंटे तो भिगो के रखनी पड़ती है। फिर इसको बिल्कुल सुखा दिया था, इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। तो फिर मैंने टावल में इसको सुखाया था, किचन टावल में, मतलब जो हाथ पहुँचने वाले टावल में, दूसरे कपड़े में जो साफ़ कपड़ा होता है उसमें। तो उसमें मैंने इसको अच्छी तरह से, ताकि पानी बिल्कुल सोख हो जाए। उसके बाद जो है हमने ये देखो इस तरह से ये किया था। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी धनिया और ये मेथी, लहसुन की पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें ये देखो अब बिल्कुल सूख गई हमारी दाल, है ना, पानी इसका सुखाना पड़ता है। और ये मैं सारी चीज़ें लेके आई थी, आप पूरा वीडियो देखिएगा। बीच में मैंने और भी क्लिप्स डाली हैं काउ शेड की भी, ऐसी जैसी है ना। तो ये मेथी है और अपना धनिया है। तो ये देखिए यहाँ पे, उस दिन ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन ना इसमें प्लस्तर हो रहा था खुरली में, यानी कि पापा। जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अभी मैं यहाँ पे सो रही थी, मैं अभी उठी जस्ट, और 3 बज गए शायद। देखा, आज मैं से नाराज हूँ। तो ये वाला काम निपटा रहे थे हम उस दिन, खुरली का भी हो गया, और अब इनका करेंगे, पशुओं की खुरलियों का करेंगे, इनको पक्का करेंगे। जब ये पक्की हो जाएंगे इनमें प्लास्टर वगैरह करके। और हनी के पापा को मसाला दे रहे थे और मिस्त्री लगे हुए थे। ठीक है, ये देखो, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे से एडिटिंग में ना वॉइस ओवर में हुई जा रही है। तो यहाँ पे मैंने चना दाल ली है, और आप इस तरह से भी इसको ये कर सकते हैं, पर एक ही बराबर बात है। तो मैंने इसको यहाँ पे तलना शुरू कर दिया है, उसमें रख के क्या बोलते हैं अपने, ये मैंने ना छलनी ली हुई है, मोटे वाली जो छलनी होती है ना, उसमें तल रही हूँ मैं। तो ये देखो इसमें भी हो जाएगी, आप ऐसे भी डालो डायरेक्ट ना, तब भी बढ़िया हो जाती है, तल जाती है मतलब। तो ये देखो
पे देखें ये हो गई जो हमने तली ना, बड़ी बिल्कुल कुरकुरी कुरकुरी बनी हुई थी ये देखो। अब इसमें ना खाली नमकीन मिला दो आप, फिर ये बन जाएगी चना दाल। नमकीन और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा अपना गरम मसाला और थोड़ा सा नमक और मिर्च, बस फिर नमकीन दाल बन गई। तो नमकीन दाल की बजाय हमने उसके बाद बना दी इसकी चाट, तो चाट की भेल पूरी पता नहीं आप लोग बताना। तो मैं यहाँ पे ना ट्राई बोर्ड सेट कर रही थी। तो मैं यहाँ पे मसाले मिला रही, मैंने काली मैं थोड़ा सा हल्दी डाली, नमक डाला और काली मिर्च का पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने मसाला डाला और फिर मैंने ढेर सारा धनिया काट के छोटे पत्तों में और प्याज और मेथी के थोड़े से पत्ते। तो अच्छा अच्छा यही हूँ बेटा, इतनी बेर ना बंदे आ जाना। मैं जो जो से बात कर रही थी, तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना इस चीज़ की। कहाँ चला आजा। और ये मैंने काली मिर्च डाली यहाँ पे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अभी मेरे पास ना काफ़ी सारी चीज़ें नहीं, मैंने बनाना तो बहुत कुछ था ना पर चीज़ सामान नहीं है, तो सामान देखती हूँ जब जाऊँगी तो लेके आऊँगी है ना। ये देखो अब ये नमकीन बन गया है, ठीक है। ये तो आप नमकीन खा सकते हो, उसको बहुत ही टेस्टी कुरकुर कुरकुर जैसी हो रही थी, बिल्कुल कुरकुरे। और ये मैंने धनिया डाल दिया इसमें, ये मैंने प्याज डाल दिया। आप बनाना इसको कभी, बच्चों को भी खिलाना और जो जो बनाते हैं ना वो मुझे कमेंट करना कि हम इसको बनाते हैं घर में, ये बड़ी अच्छी होती है ना। और अब मैं इसमें ना नींबू, ये देखो नींबू ऐड कर रही हूँ, नींबू से तो इसका स्वाद ना दुगना हो गया था। अब इसको मिक्स कर दो, बस हो गई है खाने के लिए तैयार। आ हा हा मुंह में पानी आ गया एडिटिंग करते हुए भी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं घास लेके आ गई हूँ, मुझे ना पता नहीं क्या हुआ, देखो बादल भी है ना वैसे तो ऊपर, मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, पता नहीं बुखार होगा। देखो अब ये काम करवाना है हमने खिड़कियाँ दरवाजे, और यहाँ पे मेरे कल से बहुत दर्द उठ रही है और पता नहीं क्यों उठ रही है। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बाकी सब कुछ सही है। और बादल पता नहीं फिर से बारिश बताई होगी, मैंने देखी नहीं, देखो ठंड लग गई। और मैं ऊपर घास काट रही थी ना जब, तो मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ऐसे सर्द गर्मी जब होती है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, तब ख़राब हो जाता है तबीयत जब मौसम कुछ इस तरह की एक करवटें बदलता है ना। तो ये देखो मैं आपको दिखाई देती हूँ अच्छे से, देखो कहाँ पे कितना प्यारा सूरज ने बादलों के बीच में, भाई आने दो धूप को आगे, देखो एक यूनिक सा वो बना हुआ है। और पार्ली साइड तो साफ ही है, तो गायों को भी फिर ठंड लग जाती है, फिर समझ नहीं आता अंदर बाहर बांधते रहे है ना, ये दिक्कत होती है। ओ बच्चे माता दी राम राम, मेरे को नींद भी लग गई।